थाना डिलारी के क्षेत्र मलकपुर सेमली में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा बोट लगाकर वन्य जीव क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना है। बताते चले कि मलकपुर सेमली में शिक्षा का स्तर काफी बड़ा हुआ है। गांव के आसपास कई विद्यालय हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय इंटर कॉलेज जूनियर हाई स्कूल में काफी संख्या में बच्चे शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, मगर तेंदुए से दहशत का माहौल बना हुआ है। आसपास के गांव से कई छोटे छोटे जानवरों को तेंदुआ अपना निवाला बनाए हुए हैं। गांव से कुछ ही दूरी पर कई विद्यालय हैं, जिसकी डर की वजह से बच्चे काफी भयभीत हैं। विद्यालय में बच्चों की संख्या घटती नजर आ रही है। जब जूनियर हाई स्कूल के प्रधान अध्यापक शेर सिंह विश्रोई से बात की तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम शेर सिंह विश्रोई है और यहाँ पे मैं हेड मास्टर की हैसियत से हूँ। सर, ये जो वन्य जीव बहुल क्षेत्र का बोर्ड लगाया आपके सीख विद्यालय के सामने, हाँ, सर, जी, जी, क्या है इसका जी? हाँ, वन्य जीव बहुल क्षेत्र यहाँ घोषित भी कर दिया गया, यहाँ पे बोर्ड भी लगा है और मैं समझ रहा हूँ कि ये वास्तव में जो है वन्य जीव बहुल क्षेत्र है और वैसे भी यहाँ आए दिन घटना होती रहती हैं। यहाँ पे जो है जैसे हमारे चावड़ के आसपास के बच्चे आते हैं हमारे विद्यालय में जूनियर हाई स्कूल में पढ़ने के लिए, तो यहाँ बच्चे जो है भयभीत रहते हैं और डरते भी हैं और सभी के मैं जो है बच्चों को एक साथ भेजना चाहता हूँ, जाते हैं, डर के माहौल में जाते हैं बच्चे। सर, कितने गाँव के बच्चे यहाँ पे शिक्षा के लिए आते हैं? यहाँ 4-5-6 गांव के बच्चे यहां पे हमारे जूनियर हाई स्कूल में मलकपुर में पढ़ने आते हैं। इधर चावड़ है, इधर जो है पाइंदापुर है, मीरपुर है, बिठवा ठेर है, मलकपुर है ही, मंडईयो मीरपुर है, इस तरह से ये 5-6 गांव के बच्चे हमारे यहां पढ़ने के लिए आते हैं। सर, तेंदुआ यहां दिखाई देता कभी कभी जैसे? हाँ, कभी कभी ऐसा देखा गया है, गाँव वालों ने बताया हमें, कभी कभी यहाँ तेंदुआ दिखाई दिया। तो सर, किस तरह का माहौल रहता है बच्चों में या विद्यालय में जो बच्चे हैं? बच्चे जो है वास्तव में जो है डरते हैं, जो बाहर से आते हैं। गांव की तो ये है कि गांव में ही विद्यालय है, लेकिन जो बाहर से बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं तो वो डरते हैं, आने से डरते हैं।